जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ब्लॉगिंग अजय। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं ऑफिसर चाय वाला स्टॉल के पास, जो कि मैं आप लोग को इस भैया से मिलाने वाले हैं। आखिर इन्होंने ऑफिसर होकर के चाय क्यों बेच रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सर आप लोग को भैया से जानने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, चलिए जाते हैं हम लोग भैया से डायरेक्ट बात करते हैं। आइए इधर। सबसे पहले नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्कार। और मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो चाय का स्टॉल है कितना दिन हो गया? ये हो गया 6 तारीख आएगा तो 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना हो जाएगा। और ये बताइए आपका नाम क्या होगा? संतोष कुमार। संतोष कुमार, तो आप ऑफिसर हो करके चाय बेचने का रीज़न आपका क्या है? इसका रीज़न बस यही है कि हम अपना काम करना चाहते थे, अपना काम, वैसा काम जो अपना हो, इसलिए हम ये काम शुरू किए। तो ये बताइए, जब आप ऑफिसर हो करके उसमें तो आपका सैलरी कुछ ज़्यादा ही होगा? सैलरी मेरा 72 प्लस अलाउंस मिला के 92 होता था, 92,000। तो ये रीज़न आप क्यों, मतलब छोड़ने का रीज़न क्या हुआ, जो कि अभी चाय में ही आप, मतलब रीज़न ये हुआ कि अब हम खुद के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब आत्मनिर्भर एकदम होना है, एकदम आत्मनिर्भर, किसी का एकदम बात नहीं सुनना, किसी के अंदर में काम नहीं करना है। को जानना चाहूँगा कि आपका जो चाय है कितने वैरायटी का अभी बेच रहे हैं? मतलब अभी तो 4 वैरायटी का चाय है, मसाला चाय, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी और मैंगो फ्लेवर। तो कितने का कप आता है आपका? कप आता है 10 रुपया 20 रुपया का, छोटा कप 10 रुपया, बड़ा कप 20 रुपया। तो अभी के टाइम में आप दिन भर में कितना, मतलब कप बेच लेते हैं? अभी तो ज़्यादा नहीं है, 150 से 200 के बीच में है। एक प्याली छोटा वाला का दाम है 10 रुपया। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले मतलब आपका पोस्टिंग कहाँ था? सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य विभाग में थे, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक थे, और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में हम 3 साल काम किए। उसके बाद जब प्रोग्राम ऑफिसर में मेरा हुआ ब्लॉक में, तब उसको हम रिजाइन मार दिए। तो जैसे कि ये सारा रीजन था, और उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ करके अपना खुद का बिजनेस चालू किया है। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि इसका चाय किस तरह टेस्ट रहता है, मैं आप लोग को टेस्ट करके बताता हूँ। और वीडियो में बने रहिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बाकी होगी शान की। आत्मनिर्भर हम। बच्चों मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ का रिव्यू देते हैं, चाय इसका कैसा है। तो भैया लोग आए हैं पीने के लिए, तो बताइएगा इसका चाय कैसा आप लोग को लगता है, फर्स्ट बार पी रहे हैं या फिर पहले? फर्स्ट बार। तो अभी पीते हैं और आप लोग को बताएंगे किस तरह इनका चाय लगता है। तो अभी इधर अंकल चाय का सेवन कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा इसका चाय किस तरह टेस्टी है, तो बताइएगा कुछ। चाय ठीक है। ठीक है, आप लोग पीते होंगे दूसरा भी चाय के स्टॉल के पास, और यहाँ का और दूसरे जगह में क्या अंतर आपको लगा? चाय अच्छा लगा, कुछ तो अलग लगा। अलग लगा। ठीक है, तो मैं भी अभी टेस्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखिए अभी हम भी चाय पी रहे हैं और आप लोग को बताते हैं किस तरह इसका चाय का टेस्टी है। तो बाकी में दोस्तों अच्छा है कि हम लोग हर एक जगह पीते हैं, तो उससे कुछ तो बेहतरीन लगा पीने में, क्योंकि देखिए इतना छोटा कप है लेकिन मस्त लगा चाय पीने में, क्या ही बोले। और आप लोग भी पीजिए एक बार के। तो दोस्तों मैं जानना चाहूँगा, हर एक जगह आप देखते हैं कि अभी ज़्यादातर चाय का ही स्टॉल खुल रहा है, लेकिन भैया किसी से इंस्पायर होकर खोले हैं या फिर खुद से? सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनिए। ये सही बात है। अगर आप एक भी आदमी को जॉब दे दिए तो समझ लीजिए कि अगर हिंदुस्तान का हर आदमी ऐसा करेगा तो क्रांति आ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा बात भैया ने बोला, और क्योंकि आत्मनिर्भर बनिए, अपना बिजनेस खोलिए, तभी ना दूसरे को आप अपने अंदर ला पाएंगे और काम करवा पाएंगे। मतलब एक आदमी से 10 आदमी का रोज़गार मिलता है। और आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। तो अगर लोकेशन का बात किया जाए तो ये है सिटी स्टाइल के जस्ट बगल में है, और आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए अगर देवघर से बिलोंग करते हैं तो। तो अभी मैं भैया से जानना चाहूँगा कि चाय के अलावा अपने स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें बेचता है। तो भैया जी ये बताइए, चाय के अलावा और भी, अगर आपका बिस्किट है और बिस्किट है सिर्फ क्या? टोटल बिस्किट है। बिस्किट है और चाय और बिस्किट, दो चीज़ अभी आपको मिलेगा। उसके बाद आगे और भी बढ़ाना चाहेंगे अपना बिजनेस को?
हाँ बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं, अगर जिस तरह मतलब बिक्री हो रहा है मतलब देखते हैं उसके आगे से और भी बेहतरीन आप लोग के लिए करेंगे। और आप लोग अगर देवघर से हैं तो एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए भैया के यहाँ। आप लोग को लोकेशन हम बता ही दिए कि सिटी स्टाइल के जस्ट बगल में है, और इधर से अगर आप लोग आइएगा तो राय एंड कंपनी मोड़ के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके भी जस्ट निकट में, आप लोग अपोजिट साइड मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बगल में ही है। और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा इधर से देखिए पूरा एकदम मेन रोड के जस्ट बगल में है ये स्टॉल, और आप लोग एक बार आइए तो विजिट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको रोड के किनारे ही मिल जाएगा और आपको मैं लोकेशन बता ही दिए। तो दोस्तों ये वीडियो देख करके आप लोग को कैसा लगा, अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।